इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। 25 नवंबर शुक्रवार को मंत्री अशोक चांदना राजस्थान शिक्षक संघ एवं संघ बूंदी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी परिसर के कार्यक्रम समापन के बाद में 5 दिन से चल रहे गौ सेवकों का धरना कलेक्टर कार्यालय के बाहर। मंत्री ने आकर की बात। नंदीशाला की भूमि आवंटन की मांग को लेकर गौ सेवकों का धरना जारी रहा है। गौ सेवकों ने राज्य मंत्री सूचना से मुलाकात की। चांदना ने कहा कि प्रशासन 4 साल बाद भी जमीन आवंटन नहीं कर पाया है, ऐसे में गौ वंश को कैसे बचाएंगे, इसका जवाब कौन देगा। पशुपालन विभाग के अधिकारी भी मनमानी कर रहे हैं। चांद ने कहा कि जिम्मेदारों से बात कर जल्द समाधान कराया जाएगा। गोपाल गौ सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रहलाद मीणा ने बताया कि हमारा धरना मांग पूरी होने के बाद ही खत्म किया जाएगा। धरने के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भगवान लाडला गौ सेवा संस्थान के सेवकों को सेवा समिति दवाइयों का नया गांव के गौ सेवकों राधिका जागड़, वैभव मित्तल, पुरुषोत्तम मीणा, लोकतंत्र गुज्जर, नारायण शास्त्री, भवानी शंकर मेघवाल, कमला शंकर शर्मा, गिरिराज गुज्जर, लक्ष्मी नारायण सारंगी, बलराम मीणा, मनोज शिवाजी शर्मा, दीपक सिंह, सूरज गुज्जर, सुरेश मीणा, अशोक जायसवाल, रमेश चंद सैनी, राम बाबू सारंगी, ओम प्रकाश मेघवाल, सूदन यादव ने संबोधित किया। भाजपा नेता रुपेश शर्मा ने कहा कि 5 दिन बाद भी धरने के प्रति प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।